हे गाइज, लक्ष्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताएंगे 1 किलो चावल के अंदर कितने लोग खाना खा सकते हैं। उस स्थिति के अंदर जब घर के अंदर सारा अन्य प्रकार का खाना बना हुआ हो और उस स्थिति के अंदर जब घर में कोई भी अन्य खाना नहीं बना हुआ हो, तो आपको ये दोनों स्थिति के अंदर अच्छे से बताएंगे। तो वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें। लेकिन जानने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हो तो लक्ष्मी किचन चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाले इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आइए गाइज, जान लेते हैं 1 किलो चावल के अंदर कितने लोग खाना खाते हैं। उस स्थिति के अंदर जब घर के अंदर सारे अन्य प्रकार के खाना बना हुआ होता है, हमारे घर के अंदर सारा अन्य खाना है, उस स्थिति के अंदर 1 किलो चावल में 12 से 14 लोग खाना खा सकते हैं। दाल और चावल साथ में हो और भी अन्य प्रकार का खाना हो, जैसे सब्जी हो, पूड़ी हो, रसगुल्ला और अन्य भी कई तरह की मिठाई हुई हो, उस स्थिति के अंदर 1 किलो चावल में 12 से 14 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी स्थिति की, उस स्थिति की जब घर के अंदर कोई अन्य खाना नहीं हो, केवल दाल और चावल हो, तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास 1 किलो चावल है। तो 1 किलो चावल में 6 से 8 लोग आराम से खाना खा लेंगे अपना पेट भरकर। और इसके साथ आप सभी को ये भी बता देते हैं कि हम अपने घर के कोई भी अन्य बर्तन के अनुपात से बनाएंगे तो 1 किलो चावल के 3 जो बड़े गिलास होते हैं पानी या छाछ पीने वाला, वो 3 गिलास आराम से भरेंगे। और उस 3 गिलास में हमारे घर के अंदर नॉर्मल लोग 5 से 6 लोग खाना खाएंगे। तो इस तरह से आप खाना बना सकते हो जो काफी अच्छे तरह से बनकर तैयार होगा। और इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि ग्राम के अनुपात में हम खाना बनाएंगे तो कहते हैं कि एक आदमी लगभग 100 ग्राम दाल और चावल खाना खा लेता है। उस स्थिति के अंदर जब घर में हर प्रकार का खाना बना हुआ हो। और दूसरी स्थिति की बात करते हैं जहाँ पर कोई भी अन्य खाना नहीं बना हुआ है, तो उस स्थिति के अंदर एक आदमी 200 ग्राम से 250 ग्राम तक खाना आराम से खा लेता है दाल चावल पेट भरकर। तो आप इसी के अनुपात के अंदर बना सकते हो कि जिसमें आप इस तरह से खाना बनाओगे कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, तो आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं रहेगा। कितने भी लोगों के लिए इस तरह से खाना बना सकते हो खाने में। और आपको अगर दाल और चावल के अलग अलग और विभिन्न प्रकार के चावल बनाना चाहते हो, जैसे जर्दे वाला चावल या और अन्य प्रकार के चावल बनाना चाहते हो और वह नहीं आते हैं, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहीं से देख सकते हो।